भारत की आजादी के यज्ञ में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 की क्रांति का आगाज करने वाले मंगल पांडे का नाम देश के वीर ऐसे ही सपूतों में सबसे ऊपर और सबसे पहले आता है। वह कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के रूप में जाना जाता है, के पास बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के 1400 उनकी भड़काई क्रांति की आग से ईस्ट इंडिया कंपनी हिल गई थी। उन्हें बैरकपुर में 29 मार्च की शाम अंग्रेज अफसरों पर गोली चलाने और तलवार से हमला करने के साथ ही साथ सैनिकों को भड़काने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। उनकी फांसी का दिन था 18 अप्रैल 1857। हालांकि बैरकपुर के सभी जल्लादों ने मंगल पांडे को फांसी देने से इनकार कर दिया। बैरकपुर में कोई जल्लाद नहीं मिलने पर ब्रिटिश अधिकारियों ने कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाए। यह समाचार मिलते ही कई छावनियों में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ असंतोष भड़क उठा था। इसे देखते हुए उन्हें 8 अप्रैल 1857 की सुबह ही फांसी पर लटका दिया गया। इतिहासकार किम ए वैगनर की किताब द ग्रेट फियर ऑफ 1857 रूमर्स कॉन्स्पिरेसीज एंड मेकिंग ऑफ द इंडियन अपराइजिंग में बैरकपुर में अंग्रेज अफसरों पर हमले से लेकर मंगल पांडे की फांसी तक के घटनाक्रम के बारे में सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया गया है। ब्रिटिश इतिहासकार रोजी लिलवेलन जोन्स की किताब द ग्रेट अपराइजिंग इन इंडिया 1857-1858 अनटोल्ड स्टोरीज इंडियन एंड ब्रिटिश में बताया गया है कि 29 मार्च की शाम मंगल पांडे यूरोपीय सैनिकों के बैरकपुर पहुंचने को लेकर बेचैन थे। उन्हें लगा कि वे भारतीय सैनिकों को मारने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपने साथी सैनिकों को उकसाया और ब्रिटिश अफसरों पर हमला कर दिया। मंगल पांडे ने इसके बाद घोड़े पर सवार होकर अपनी तरफ आ रहे लेफ्टिनेंट बेपंदे बाग पर गोली चलाई। इस बार भी उनका निशाना चूक गया। फिर उन्होंने बेपंदे को अपनी तलवार के वार से जख्मी कर दिया। इस दौरान शेख पलटू ने उन्हें रोका। उसने मंगल पांडे की टुकड़ी के प्रमुख को उन्हें रोकने में मदद करने को कहा। इस पर ईश्वरी प्रसाद ने शेख पलटू पर ही बंदूक तान दी और मंगल पांडे को नहीं भागने देने पर उसे ही गोली मारने की चेतावनी दी। मंगल पांडे के बाद 21 अप्रैल को ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस बगावत के निशान मिटाने के लिए ब्रिटिश अफसरों ने 34वीं इन्फेंट्री को ही भंग कर दिया।